ग्राहकों को घटिया मांसाहारी भोजन परोसने की शिकायत पर सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने फूड विभाग के साथ कूड़ाघाट स्थित अदालत मांसाहारी रेस्टोरेंट पर छापेमारी की। इसके संबंध में सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने बताया कि कुछ दिनों से शिकायत मिल रही थी कि कुछ रेस्टोरेंट अपने ग्राहकों को पुराना नॉनवेज परोस रहे हैं, जिसको देखते हुए फूड विभाग की टीम के साथ कूड़ाघाट स्थित अदालत रेस्टोरेंट पर छापेमारी की गई, जिसके दौरान रेस्टोरेंट में पुराने तेल, पुराने सॉस एवं एक्सपायरी डेट का पुराना दूध पाया गया, जिसको देखते हुए रेस्टोरेंट को सील कर दिया गया है और ख़राब मांस को डिस्ट्रॉय करवा दिया गया है। सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि रेस्टोरेंट के संचालक को सख्त निर्देश दिया गया है कि जनता को ताज़ा नॉनवेज खिलाएं और शहर में जितने भी रेस्टोरेंट हैं वो सभी लोग ताज़े मांस का इस्तेमाल करें, नहीं तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए सिटी मजिस्ट्रेट अभिनव रंजन श्रीवास्तव ने कहा, पुलिस का रास्ता है, उसे उठा के हवा में आती है, चार ना मारती है तो सब उसको फेंकवाना भी अभी ना इधर भी सब पकड़ लीजिए सर। ये नहीं मसाला कौन का सिग्नेचर कौन कर रहा है? मास्क को हटा के फोटो दिख रहा है, मास्क हटाइए तो हाथ में कोई नहीं है। हां इसका नमूना वही सर पर किसका तो नमन सर ये आपका सामने ये स्वागत है नंबर दे देंगे इसमें तब कैसे के घी खा रहे हैं देखिए ये शिकायत आ रही थी कि जो भी कुछ रेस्टोरेंट्स हैं जो नॉनवेज दे रहे हैं वो सही रूप से उसको नहीं दे रहे हैं, उसको दूसरी बात पुराना नॉनवेज भी वो लोग बेच रहे हैं। तो इसी क्रम में अदालत रेस्टोरेंट जो कि कूड़ाघाट पर स्थित है उस पर औचक छापेमारी की गई और छापेमारी में वहाँ पर कुछ कमियाँ पाई गई हैं और फूड विभाग की टीम साथ में थी। जैसे वहाँ पर जो भी तेल या सॉस इस्तेमाल किए जा रहे थे वो सभी पुराने थे और एक्सपायरी डेट के थे, तो उनको सील कर दिया गया है, उस पर अभी तक कार्रवाई की जा रही है। दूध का जो सैंपल देखा गया है, जो दूध के पैकेट्स थे वो भी पुराने थे, मतलब
एक्सपायरी डेट के थे, तो ये सब चीज़ें कंसिडर की जा रही हैं। इसके अलावा जो मांस देखा गया, जो भी मटन उनका था, तो वो भी प्रथम दृष्टिया पुराना प्रतीत हो रहा था देखने में, तो उसको अलग से उसकी जाँच कराई जा रही है। और जो भी पुराना सैंपल था उसको डिस्ट्रॉय फूड विभाग की टीम द्वारा कराया जा रहा है, और जो भी अग्रेतर इस पर वैधानिक कार्रवाई है इस रेस्टोरेंट के साथ वो की जाएगी। और सख्त निर्देश दिया गया है कि जनता को वो हमेशा ताज़ा और शुद्ध ही खाना है वो खिलाएंगे, और जो भी रॉ मटेरियल्स हैं मटन चिकन या सब्जियां हैं वो ताज़ी होनी चाहिए। तो ये सब चीज़ें बताई गई हैं और सभी आगे भी इस छापेमारी शहर में जारी रहेगी। देखिए, सभी रेस्टोरेंट्स के लिए ये सख्त हिदायत दी गई है कि जनता को जो भी खाना खिला रहे हैं, भले वो वेज फूड आइटम्स हों या नॉन वेज फूड आइटम्स हों, सभी ताज़े होने चाहिए। मीट की अगर जहाँ तक बात है तो जो रॉ मीट होता है वो ताज़ा कटा हुआ होना चाहिए, और उसके रेफ्रिजरेशन की व्यवस्था बढ़िया होनी चाहिए जो कि मानक के अनुरूप होनी चाहिए। अगर वो रेफ्रिजरेशन व्यवस्था सही नहीं है, पुराना मीट देखा है या जाँच में पुराना मीट पाया जाता है, तो उनके सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी और छापेमारी आगे भी टीम बनाकर विस्तृत रूप से की जाएगी।